कृष्ण कुमारी है। बताएंगे कि आगे कैसे लगे। आज हम सोए पड़े थे जी रात को आराम से, तो सुबह 3 बजे मेरे बेटे ने फटाफट मेरे को उठाया, कहता मम्मी अपने तो आग लग गई है, कहता मेरे ना एकदम कंबल लेके सो जाते हैं सर्दी में, तो इसको गर्मी गर्मी सी लगी। और देखा तो हमने देखा उठ के धुआं ही धुआं हुआ पड़ा था सारे घर में, बिल्कुल ही धुआं हुआ पड़ा। और हमारे निकलते ही बाहर इसने बेटा, मेरे को तो कोई ध्यान नहीं रहा, बेटा कहता एकदम पटाखा फूट गया जी। तो फिर आग कैसे बुझेगी? आग पहले फिर हमने तार, ये बाहर से मेन पावर की तार काटी, तो फिर हमने पानी डाल डाल के आग जलाई। हाँ जी हाँ जी, सुरेंद्र मास्टर जी ने पुलिस में फोन किया फायर ब्रिगेड में, तो फिर पुलिस वाले आए थे 2 जने, और फिर वहाँ तो एयर वहाँ से फायर ब्रिगेड से भी फोन आया था, फिर हमने कहा हमने आग निकाल ली है। सामान तो हमारा बच्चा ही सारा जल गया है, आपने देखा कितना काला काला धुआं धुआं हुआ पड़ा सब कुछ। ये उम्मीद है कि हमारी मदद, रात को छोआ पड़ा था मैं, 3 बज के 15 मिनट के बाद पूरी अंधेरा हो गया था, काला काला हो गया था। जो मेरे कपड़े ले रखा था एकदम उठा, अंधेरा हो गया था, मैं गर्मी लगी, मैं कहा आग लग गई एकदम, मैं बाहर भाग गया, सिलेंडर को सब कुछ बाहर काट दिया, मम्मी को भी मुश्किल थी। फिर मम्मी रात को गली में शोर मचाया, फिर रात को आग लग गई थी। फिर उसके बाद अगर हम ना निकलते तो यहाँ से फूट जाता, फिर हमारी जान चली जाती, तो हम क्या करते थे यहाँ क्या कर रही हैं बात, पर? पचास क्या मदद चाहते हैं आप? से तो ये कहना चाहते हैं कि बीमारी वो घर की आग लग गई थी। मरने हाँ जी, हम कहते हैं हमारी मदद की जाए, कि वो बुरा हाल हो गया, आसान हो गया मेरा, मेरा डेकोरेशन का सामान भी सारा जल गया, बेड भी जल गया, फ्रिज भी, कूलर भी नया का कूलर था, और मंदिर भी मेरे जल गया था सारा। बताएंगे मेरा नाम कृष्णा कुमारी है। कि आग कैसे लगी? आज हम सोए पड़े थे जी रात को आराम से, तो सुबह 3 बजे मेरे बेटे ने फटाफट मेरे को उठाया, कहता मम्मी अपने तो आग लग गई है, कहता मेरे ना एकदम कंबल लेके सो जाते हैं सर्दी में, तो इसको गर्मी गर्मी सी लगी। और देखा तो हमने देखा उठ के धुआं ही धुआं हुआ पड़ा था सारे घर में, बिल्कुल ही धुआं हुआ पड़ा। और हमारे निकलते ही बाहर इसने बेटा, मेरे को तो कोई ध्यान नहीं रहा, बेटा कहता एकदम पटाखा फूट गया जी। तो फिर आग कैसे बुझेगी? आग पहले फिर हमने तार, ये बाहर से मेन पावर की तार काटी, तो फिर हमने पानी डाल डाल के आग जलाई। हाँ जी हाँ जी, सुरेंद्र मास्टर जी ने पुलिस में फोन किया फायर ब्रिगेड में, तो फिर पुलिस वाले आए थे 2 जने, और फिर वहाँ तो एयर वहाँ से फायर ब्रिगेड से भी फोन आया था, फिर हमने कहा हमने आग निकाल ली है। सामान क्या तो हमारा बच्चा ही सारा जल गया है, आपने देखा कितना काला काला धुआं धुआं हुआ पड़ा सब कुछ। ये उम्मीद है कि हमारी मदद, रात को छोआ पड़ा था मैं, 3 बज के 15 मिनट के बाद पूरी अंधेरा हो गया था, काला काला हो गया था। जो मेरे कपड़े ले रखा था एकदम उठा, अंधेरा हो गया था, मैं गर्मी लगी, मैं कहा आग लग गई एकदम, मैं बाहर भाग गया, सिलेंडर को सब कुछ बाहर काट दिया, मम्मी को भी मुश्किल थी। फिर मम्मी रात को गली में शोर मचाया, फिर रात को आग लग गई थी। फिर उसके बाद अगर हम ना निकलते तो यहाँ से फूट जाता, फिर हमारी जान चली जाती, तो हम क्या करते थे क्या कर रही हैं बात, यहाँ पर? पचास क्या मदद चाहते हैं आप? से तो ये कहना चाहते हैं कि बीमारी वो घर की आग लग गई थी। मरने हाँ जी, हम कहते हैं हमारी मदद की जाए, कि वो बुरा हाल हो गया, आसान हो गया मेरा, मेरा डेकोरेशन का सामान भी सारा जल गया, बेड भी जल गया, फ्रिज भी, कूलर भी नया का कूलर था, और मंदिर भी मेरे जल गया था सारा।